शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिवाजी के इलाके में इस तरह घुसपैठ करने की वजह छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। विश्राम करा, हमने आपका नाम भी सुना है और आपकी बहादुरी के किस्से भी। हम आपसे मिलकर खुश हुए वीर बुंदेला छत्रसाल। दखन में आपका स्वागत है। आपसे मिलकर हम धन्य हो गए। बड़े बड़े तुर्रम खान भी हमारा ये स्वांग भेद नहीं पाते और आपने हमें एक नजर में पहचान लिया। एक विलक्षण योद्धा के लिए ऐसी पारखी नजर होना किसी भी शस्त्र से कहीं बेहतर है। शाबाश, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आपको मालूम था ना कि हम आने वाले हैं महाराज? महाराज मत कहिए छत्रसाल, हम आपके बड़े भाई हैं। रही बात आपके आने की, तो जब से आप महेबा से निकले हैं तब से लेकर अब तक आप कहाँ रहे हैं, आपने क्या खाया है, कैसे कहाँ पहुंचे हैं, हर पल की खबर रही है मुझे। मराठा साम्राज्य में अगर एक भी बच्चा रोता है तो उसकी माँ को पता लगने से पहले हमें पता लगता है छत्रसाल। ये हमारे विश्वासपात्र साथी हैं, ये हवाओं में आहटों को भी सूंघ लेते हैं छत्रसाल। बहुत सुना था आपकी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, आज करीब से देख भी लिया।
आपकी गुप्तचरी की कला और छापामार सेना का युद्ध कौशल, यही जानने और सीखने यहां आए हैं। अगर आपकी कृपा हो तो अवश्य, पर केवल इतनी सी वजह से तो आप यहां नहीं आए हैं ना, जरूर कोई और बात भी रही होगी। सही कह रहे हैं ना हम? हाँ महाराज, एक अति आवश्यक संदेशा भी लेकर आए हैं आपके लिए। औरंगजेब की सेना अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ मराठों पर आक्रमण करने के लिए कूच कर चुकी है। यह खबर हम तक भी पहुंची है। चिंता का विषय तो है, पर हमारे लिए नहीं, औरंगजेब के लिए। मां भवानी की सौगंध, वो आएगा हाथी पर और जाएगा ताबूत में। औरंगजेब से तो हमारा भी एक पुराना हिसाब बाकी है। पता है हमें, पर अभी आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपनी मातृभूमि को मुगलों के कहर से मुक्त कराना। देखिए छत्रसाल, ये गुप्तचर व्यवस्था, सेनाएं, सारे संसाधन, ये सब बाद की बात है। पहले अपने को इकट्ठा कीजिए, उनमें जोश जगाइए, संगठित कीजिए, क्योंकि ऐसी लड़ाइयां सिर्फ तीर और तलवार से नहीं बल्कि मनोबल और एकजुटता से जीती जाती है। याद रहे छत्रसाल, जिस मातृभूमि पर आप जैसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उस मातृभूमि को गुलामी की जंजीर कोई नहीं पहना सकता। हम ही आप ले स्वागत करीता होत। शहंशाहे हिंदुस्तान, जिल्ले इलाही, आलमगीर बादशाह औरंगजेब तशरीफ ला रहे हैं। देवगढ़ के रास्ते में हमें कोई अड़ंगा नहीं चाहिए शेरफ खान का। रास्ते में जो भी है उसे साफ करते चलो। आप बेफिक्र रहें बादशाह सलामत, दखन की ओर जाने वाले हमारे काफिले को रोकने की हिमाकत वही कर सकता है जिसकी जिंदगी का सबब खत्म हो गया। आप बेफिक्र रहें। लालच एक ऐसी ताकतवर चीज है जो अच्छे अच्छों को अपनी चपेट में ले लेती है। औरंगजेब, जिसे बचपन से ही नायाब चीजों का शौक था, वो अपने आप को सोने के इस अकूत खजाने की ओर जाने से नहीं रोक पाया। वो दक्षिण की जानिब कूच करने की तैयारी करने लगा। इंद्रजीव दंब पर, बाणव सुअंब पर, रावण सदंब पर, रघुकुल राजा है। अपन मारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, जो साहस बाह पर, राम ध्वज राजा है। झुंड पर भूषण भी तुंड पर, जैसे मृगराज है। तम हंस पर, काना जीवी कंस पर, धूमलेच मंस पर, शेर शिवराज है। महाराष्ट्र की धरती पे आपका स्वागत है। छत्रसाल ने कुछ दिन अपने प्रिय महाराज शिवाजी के सानिध्य में बिताए। उन्होंने कई युद्ध नीतियों और कूटनीतिक विचारों का आदान प्रदान भी किया। कविवर भूषण, आइए पधारिए। मराठा गौरव शिवाजी महाराज को मेरा प्रणाम। आपको भी हमारा प्रणाम। इनसे मिलिए, ये हैं बुंदेलखंड से हमारे अनुज वीर छत्रसाल। प्रणाम। प्रणाम। ये हमारे खास मेहमान हैं आज। कहते हैं कविता वीरों के लिए संजीवनी की भांति होती है। आप जैसे वीरों के सामने मैं कुछ पंक्तियां पेश करूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। गरुड़ को दाव सदा नाग के समूह पर, दाव नाग जूह पर,
सिंह सर ताज को दावा पुरोहित को पाहरन के पुल के पंचिम के गोल पे दावा सदाबाज को भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को पूरब पश्चांत देश दखन ते उत्तर लाओ जहां पातशाही तहा दावा शिवराज को वावा 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 वावा। सच जादू है आपकी लेखनी में कभी बार आपका एक एक शब्द शिवाजी महाराज की गरिमा के अनुरूप है। आपने इनके प्रति अपनी निष्ठा को सहज ही पिरो के प्रस्तुत कर दिया। वैसे आपके वीरता के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और कुछ लिखा भी है, सुनाएं आपको। बखतर पाकरन बीच धसी जाति मीन पैरी पार जात परवा जो जलन के रैयराव चंपत के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के पच्ची पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बर छीने हैं खलन के। आपके शब्दों की गहराई ने हमारे हृदय को छू लिया है। मातृभूमि के गौरव के लिए हमारा हृदय और गति से धड़क रहा है। हमारा मन कह रहा है महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य। काव्य कला संगीत की जिनके अंतस में रसधार नहीं जिनको अपनी धरती माता को याद रहे उपकार नहीं जो इनके गरिमा गौरव पे मर मिटवे को तैयार नहीं उनको जीवन व्यर्थ है जिनको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं। खूब बहुत खूब। वीर छत्रसाल की जय। वीर छत्रसाल की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी अद्वितीय प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें स्वयं ही लोगों को जागृत करने और उन्हें स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य की स्थापना करने के लिए कहा। महाराज शिवाजी जानते थे कि छत्रसाल की बलशाली भुजाओं में वो दम है जो औरंगजेब की क्रूरता के दुष्चक्र को रोक सकता है। इसलिए उन्होंने छत्रसाल को अपनी तलवार 5 घुड़सवार और 25 पैदल सिपाहियों का दस्ता भेंट किया और उन्हें आने वाली हर लड़ाई में विजय की शुभकामनाएं दी। इस विषय में तो हमारी पूरी गुप्तचर व्यवस्था भी असफल हो गई है छत्रसाल। हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे आपके इस चंदन समान मन से और आपके कवि हृदय से। आपने हमारा सम्मान पहले ही पा लिया था छत्रसाल, आज आपने हमारा मन भी जीत लिया। आपसे मिलकर हमें यह विश्वास हो गया है कि हमारी इस आजादी की लड़ाई में एक साथी और जुड़ गया है। पंजाब में गुरु तेग बहादुर और उनके सिख भाई, राजपुताने में दुर्गादास राठौर और अब बुंदेलखंड में आजादी की मशाल वीर छत्रसाल। महाराज इस स्वप्न को साकार करने के लिए आप आज से ही हमें अपनी सेना में शामिल करने की कृपा करें। हम बुंदेले आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। नहीं छत्रसाल, आप स्वाधीनता का सूरज बनकर स्वयं आकाश को प्रकाशित कीजिए। आप हमारी सेना में नहीं स्वयं आगे बढ़िए, क्योंकि देश को कई शिवाजी और कई छत्रसाल की आवश्यकता है। तभी मिलेगा स्वराज। न हम आपसे अलग हैं, ना आप हमसे। युद्ध केवल हथियारों से नहीं आत्मबल से जीता जाता है। जाइए, बिगुल फूकिए स्वराज का और अपने विवेक और शौर्य से अन्य राजाओं को भी प्रेरित कीजिए। अपनी माटी को मुगलों के भय से मुक्त कीजिए और अपने पूर्वजों को अपने पराक्रम से तृप्त। विजयी भवा। आपका आशीर्वाद, आपकी सलाह, आपके विचार आज से हमारा गुरु मंत्र होंगे। हम इसी दिशा में कार्य करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। छत्रसाल के लिए ये छोटी सी भेंट मानो सूर्य ग्रहण के पश्चात निकलने वाली उषा किरण की भांति थी, जिसने उनके मन रूपी नभ में
आशाओं का नया उजाला भर दिया हो। ये पहली बार था कि छत्रसाल को किसी भी प्रकार के सैन्य बल का साथ मिला हो। उनकी ऊर्जा दुगनी हो गई थी। वो अब औरंगजेब से लोहा लेने के लिए और भी अधिक व्याकुल थे, मगर बिना अपनों को साथ लिए उनका यह स्वप्न पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए वो अपने भाई, बंधुओं और रिश्तेदारों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम पर निकल पड़े। वहां दूसरी ओर औरंगजेब का कहर हिंदुस्तान की भोली भाली जनता पर बिजली बन के टूट रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आतंक का राज था। आज से बुंदेलों का खून सिर्फ दिल्ली सल्तनत के लिए बहेगा। अगर हमारे हुक्म की नाफरमानी हुई तो इलाके में ना कोई मर्द बचेगा और ना ही आंसू बहाने वाला। हम गरीब किसान हैं हुजूर, किसानी करते तो दो वक्त की रोटी मिलती है, हमें जाने दीजिए भाई बाप। हमारे खिलाफ उठने वाले हर सर को कलम कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में चारों तरफ दीन इस्लाम का इकबाल बुलंद हो। स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। औरंगजेब अब एक पागल हाथी की तरह हो चुका है। अगर वक्त रहते उसे रोका नहीं गया तो सारी बस्ती को तहस नहस कर देगा। पर भैया जो, आपको हमारी शक्ति का अंदाजा तो है। हमारे कोषागार और शस्त्रागार पूरी तरह खाली है पागल हाथी के सामने। अब आगे खरगोश की तरह हालात हैं हमारे, उसके रास्ते में आए तो कुचल दिए जाएंगे। इसी सोच को तो बदलना है। डर बैठ गया है हमारे मन में, इसी डर ने हमें खरगोश बना दिया है। मौत का खौफ इतना है कि ठीक से जी भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। जब तक छत्ता वापस नहीं आ जाता, अपने लोगों की जिम्मेदारी हमारी है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसे हम निभाएंगे। हम आपकी बात से सहमत हैं। हम लोग खुद गांव-गांव जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे, बूढ़े बड़े माने या न माने, लेकिन हमें विश्वास है कि नौजवान हमारी बात जरूर समझेंगे। सीधी राह पे चलने वालों को कोई याद नहीं रखता। इतिहास वही बनाते हैं जो मुश्किल राहों पे चलते हैं। हमारी धरती मां हमें पुकार रही है। यही मौका है कि हम जिएंगे या बलिदान होंगे, पर लड़ेंगे जरूर। जय मां विंध्यवासिनी, 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 जय मां विंध्यवासिनी। हम आपकी बात समझते हैं शुभकर्ण काका जी, लेकिन इस क्रूरता को रोकने के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए। औरंगजेब अत्याचारों की सीमाओं को लांघ चुका है। एक विशेष वर्ग के लोगों से जजिया कर वसूलना, जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करना, महिलाओं का अनैतिक शोषण, बच्चों का उत्पीड़न, हम कब तक सहेंगे काकाजू? हमारे किसानों की मेहनत की कमाई उसकी सेना के लिए इस्तेमाल हो रही है, ताकि हमारा दमन हो सके। हम सब मिलकर उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं काकाजू। एक विषैले सांप को दूध पिला रहे हैं जो बारी बारी हमें ही डस लेगा। इसीलिए हम आपके पास एक निवेदन लेकर आए हैं काकाजू। देखो बेटा, ये मुगलों की प्रबल शक्ति का सामना करने का ख्वाब छोड़ दो तुम। विद्रोह की बात छोड़कर उनकी सेना में कोई अच्छा सा पद ले लो, और रहा प्रश्न उनसे जंग लड़ने का, तुम्हारा साथ देने का, तो बेटा इस समय मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये कैसी बात कर रहे हैं काकाजू आप? हम आपके पास, मुझे माफ करना बेटा, अब तो ना मेरी उम्र रही है ना जोश। इन मुगलों के खिलाफ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं नहीं लड़ सकता। मैं तो सिर्फ इतना कर सकता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ कि तुम इस जंग में विजयी हो। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी काकाजू, हम बड़ा विश्वास लेकर आए थे कि आप और आपके कैसा साथ विश्वास छत्रसाल, पहले अपने भाइयों को तो एकजुट करो। जब सगे भाई साथ नहीं निभा रहे हैं तो हमें किस मुंह से एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं?
जाओ औरंगाबाद और अपने बड़े भाई बलदेवार से पूछो क्या वो इस मुहिम में तुम्हारे साथ है, फिर हमारे पास आना तुम मदद के लिए। भले भाई, बात उनकी कड़वी है पर सच है, और अगर सच को जीना है तो ऐसी बातों को दवा मानकर पीना होगा। हम यहां से औरंगाबाद जाएंगे भैया जू बलदीवान के पास। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जिस जिस रिश्तेदार से छत्रसाल ने अपने साथ आने की उम्मीदें लगाई थी, उन सब ने बारी बारी उनका साथ देने से इनकार कर दिया। औरंगजेब का खौफ पूरे बुंदेलखंड की नसों में घुस चुका था। कोई भी छत्रसाल का साथ देने के लिए आगे नहीं आया। चारों तरफ से मिलती असफलता ने छत्रसाल को परेशान तो कर दिया था, मगर उनकी यात्रा में एक किरदार आना अभी बाकी था। छत्ता, इतने से थे तुम छत्ता, तब देखा था तुम्हें, और आज तुम्हें जवान देखकर हमें अपने बूढ़े होने का एहसास होने लगा है मेरे प्रिय भाई। और आपको देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें तुरंत दूध बादाम का सेवन शुरू कर देना चाहिए, वरना आपकी शाबाशी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सच में पूरे बुंदेलखंड में आपकी शक्ति का कोई सानी नहीं। धन्य है आप। छत्ता, धन्य मैं नहीं, मेरी कुश्ती का अभ्यास है। वैसे बात हाजिर जवाब भी हो गए हो तो आओ चलकर कुछ बातें कर ले। आओ चले भाई। छत्ता, हमने सुना है कि तुम मुगलों के साथ आर पार की लड़ाई करना चाहते हो, और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमारे पास क्यों आए हो। खैर, तुम तो हमारी बात ही छोड़ो छत्ता, लेकिन ये तुम्हारी बातें हमारी समझ के परे हैं। पर भैया जी, अपनी आंखों के सामने हो रहे अत्याचार को देखकर मूक दर्शक बने रहना अत्याचार का समर्थन कहलाता है। हमारे इलाके में शांति है छत्ता, तो फिर इस अनावश्यक रूप से शेर की मांद में क्यों घुसना। अव्वल तो भैया जू, जिसे आप शेर कह रहे हैं वो शेर की खाल में गीदड़ है, और रहा प्रश्न आपके इलाके में शांति का, तो जब जंगल के किसी एक छोर में आग लगती है तो पूरे जंगल को जलाकर ही रुकती है। आप बुंदेलखंड को छोड़कर औरंगाबाद के निवासी बन गए,
आप नहीं जानते उसके बाद बुंदेलखंड की क्या दुर्गति हुई है। ये कहते हुए हमारी भाणी भी लचाती है, लेकिन क्या विपत्ति के दिनों में अपनी मातृभूमि को अत्याचारियों के रहमोकरम पर छोड़कर कहीं और बस जाना उचित है? मातृभूमि का प्रेम एक तरफ का होता है छत्ता, और कर्मभूमि का दूसरी तरफ का। औरंगाबाद का इलाका हमारी कर्मभूमि बन चुका है, और छत्ता जो हमें हमारी कर्मभूमि के लिए करना चाहिए वो हम पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। और रही बात तुम्हारा साथ देने की, तो तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं मेरे भाई कि मुगलों को हराने का दिवा स्वप्न छोड़ दो, क्योंकि चींटी के प्रण से हाथियों के कदम नहीं डोलते। बुंदेलखंड की वीर प्रसूता माटी ने अभी शूरवीरों को जन्म देना बंद नहीं किया भैयाजू। हम केवल आपका साथ मांगने आए थे ताकि स्वतंत्रता के आंदोलन को सबल कर सकें, लेकिन अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको सद्बुद्धि दे। आप लोग बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान कीजिए, पर हम आपको वहीं मिलेंगे। लेकिन कुंवर जू, हम दोनों तो आपके साथ। हाँ, युद्ध केवल हथियारों से नहीं आत्मबल से जीता जाता है। बिगुल फूकिए स्वराज का, और अपने विवेक और शौर्य से अन्य राजाओं को भी प्रेरित कीजिए। ये मुगलों की प्रबल शक्ति का सामना करने का ख्वाब छोड़ दो तुम। हमारे इलाके में शांति है छत्ता, तो फिर इस अनावश्यक रूप से शेर की मांड में क्यों घुसना? अपनी माटी को मुगलों के भय से मुक्त कीजिए, और अपने पूर्वजों को अपने पराक्रम से तृप्त। तो तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं मेरे भाई कि इन मुगलों को हराने का दीवा स्वप्न छोड़ दो। पहले अपने भाइयों को तो एकजुट करो। जब सगे भाई साथ नहीं निभा रहे हैं तो हमें किस मुंह से एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं? अशकों से चेहरा धो लिया, अपना आपा खो लिया, जीत अपने तेरे हाथ सो
आज शायद पहली बार छत्रसाल इतने किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, किसके पास जाएं। क्या इस पूरे बुंदेलखंड में कोई भी उनका साथ नहीं देगा? महाराज शिवाजी द्वारा समझाई गई बातें उनके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। वो सुनसान बियाबान जंगल में अकेले घूम रहे थे, किस राह जाना है शायद भूल से गए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके अपनों ने उनके साथ ऐसा किया था। मगर वो कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। छत्रसाल की आस अब सिर्फ उस नीली छतरी वाले से थी। दिल दिलगिरी छोड़ दे, हो तेरा नुकसान, हूं ना तेरे साथ में, चिंता मत कर तू इंसान। हे ईश्वर, हे परम शक्ति, क्या हम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएंगे? निराशा के काले बादल मन के आकाश पे छा रहे हैं। आप ही मार्ग दिखाइए कि इस घने अंधेरे को चीर कर आशा का सूरज जगमगाए। दया करो परमेश्वर, दया करो। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर उस पर चलने वाले को ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तुम्हारा मार्ग भी सरल नहीं है छत्रसाल, पर अपने साहस, शौर्य और बुद्धिमत्ता से तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। और धीरे धीरे जितने भी लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं वे सभी तुम्हारे साथ हो जाएंगे, और लक्ष्य प्राप्ति के इस मार्ग पर तुम सदैव मुझे अपने साथ ही पाओगे।
अशकों से चेहरा धो लिया। जिसे कोई दर